Jassi Jaisi Koi Nahin. Yeh Purab Mehra, ek bahut hi bada business tycoon hai. Log usse take over karne ke liye. Yes, come in. जैसे अरे व्हाट अ सरप्राइज, मुझे कहा होता मैं ही मिलने आ जाता. अरे कम सिट सिट सिट. अब जैसे तुम्हें मालूम है मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था. ठीक है तुम्हारा गिफ्ट टूट गया. टूट गया? जैसी? क्या हुआ? हाँ? अच्छे बात तो करो. बात तो मुझे उसी दिन समझ जानी चाहिए थी पूरा, जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि जिंदगी में कुछ भी करने से पहले अपने आप के बारे में जरूर सोचना चाहिए. तुम वही करते हो ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो. तो तुम क्या कह रही हो? अपने फायदे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो पूरा, किसी भी हद तक जा सकते हो, चाहे वो तुम्हारी बिजनेस लाइफ हो या पर्सनल. जरूर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. जैसे प्लीज तुम मेरे लिए नहीं रोक सकते? मैं एक दोस्त के लिए रोक सकती हूँ पूरा, लेकिन जो रिश्ते दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोच समझ के बनाए जाते हैं उसे दोस्ती नहीं फरेब कहते हैं. फरेब? जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तुम सब समझ रहे हो पूरा, जो मैंने कहा भी और जो मैंने नहीं भी कहा सब. मतलब तुम मुझे इस तरह छोड़ के चली जाओगी? जिंदगी के सफर में मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं. क्या तुम मुझे वो मौका दोगी? क्या तुम मेरी हम सफर बनोगी? जो साथ था ही नहीं उसे मैं छोड़ कैसे सकती हूँ पूरा? सब क्या हो गया? हेलो. अपने फायदे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो पूरा, किसी भी हद तक जा सकते हो, चाहे वो तुम्हारी बिजनेस लाइफ हो या पर्सनल. आर्यन, डील कंप्लीट हुई नहीं और तुमने अपने ऑफिस में टेक ओवर की खबर अभी से फैला दी? क्या मेरी तरफ से तो ये गलती अनजाने में भी नहीं हो सकती है. फिर जस्सी क्या जानती है? कुछ भी तो नहीं, कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है, बिलीव मी. फिर शायद मेरे समझने में ही गलती हुई है. हो सकता है, क्योंकि मेरी तरफ से ये बात किसी तक पहुंच ही नहीं सकती. आई होप यू आर राइट मिस्टर आर्यन. वैसे आप जानते हैं कि बिजनेस में विश्वास बनाए रखना बहुत ही जरूरी है. जानता हूं मैं, जानता हूं, और इसी विश्वास के सहारे तो हम काम कर रहे थे. फिर तुम ये भी समझते होगे कि विश्वास कमजोर पड़ जाने पर बिजनेस रिलेशन टूट भी सकते हैं. पूरब तुम इतना टेंस क्यों हो रहे हैं? बिलीव मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है. मगर मुझे ऐसा नहीं लगता. मतलब? मतलब तुम्हारे अलावा गुलमोहर में और लोग भी इस बात को जानते हैं.
impossible. I don't believe. Please do. पूरब तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब ये डील पुल ऑफ करना मुश्किल होगा. What? Goodbye, Mr. Aryan. मगर चोरिया ने मेरी प्लानिंग फेल करी है. इसका मतलब है कि इस डील के बारे में अरमान भी सब कुछ जानता है. जस्सी, दरवाजा खोल बेटा. जस्सी, बेटा अपने पापा के नहीं तो कम से कम अपने मामा की बात तो सुन. मामा प्लीज, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती. प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो. क्या हुआ अंकल जी, दरवाजा बंद हो गया क्या? अबे दरवाजा बंद नहीं हो गया, जस्सी ने दरवाजा बंद कर लिया है. क्यों? पता नहीं, कह रही है कि अकेला छोड़ दो. जस्सी दरवाजा खोल ली तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा. जस्सी दरवाजा खोल ली तो दरवाजा टूट जाएगा और साथ में मेरी हड्डी भी फ्रैक्चर के लिए. सॉरी मत बोलना. जस्सी एक बार तो दरवाजा खोल बेटा, कम से कम अपने नंदू से तो बात कर. जस्सी अंकल जी आप यहीं रुको, मैं बात करता हूँ. आप लोग नीचे जाओ, मैं तो पूछता हूँ क्या हुआ. जस्सी देख अब मैं आ गया हूँ, तू इसलिए खिड़की से बातें करनी बंद कर और मुझे बता क्या हुआ. मुझे अकेला छोड़ देना तू, तो प्लीज जाए यहाँ से. तूने मुझसे आज तक इस तरह से बात की थी जस्सी? जब से ये पूरब तेरी जिंदगी में आया तो बहुत बदल गई है. I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दे. तो शायद ठीक ही कह रहा है, मैं बदल गई हूँ. पता नहीं क्यों अच्छी अच्छी बातों के आगे मैं छुपी हुई बुराई को देख ही नहीं पाई और इसीलिए झूठ और दिखावे में आ गई मैं. झूठ? कैसा झूठ? तू पूरब के बारे में बिल्कुल ठीक सोच रहा था ना? तू उसने मुझसे झूठ का, मेरी दोस्ती का फायदा उठाना चाहता था. वो उसका असली इंटरेस्ट तो गुलमोहर में है, जिसे वो खरीदना चाहता है. क्या? हाँ, इसीलिए वो मेरे करीब आना चाहता था. उसे लगा कि ऐसा करके उसका सब काम आसान हो जाएगा और मैं उसे समझ ही नहीं पाया. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तू हमेशा सब में सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश करती है. अरे मैं तो पहले से कह रहा हूं वो पूरा फ्रॉड है. जैसी हमारी तरह चश्मा लगाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता. बेवकूफ मैं ही हूं नंदू. मैंने उसकी बातों को इतनी सीरियसली ले लिया, मुझे लगा कि वो मेरे दोस्त है. चल जो भी हो, चाहे पूरा टोटल फ्रॉड निकला पर वो गलती से तुझे एक सही बात सिखा गया, खुद से प्यार करना. तो पूरब को जाने दे पश्चिम, मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ही ना, है ना? क्या हुआ? जैसी तू अगर रोना बंद नहीं करेगी तो मैं रोना शुरू कर दूंगा. फिर मत कहना नंदू रोना बंद करते, नहीं तो आंखों का नंबर और बढ़ जाएगा और तेरा चश्मा और बड़ा हो जाएगा. कंजूस? हंसने में भी कंजूसी. राज, मैंने जस्सी को पूरब के बारे में सब कुछ बता दिया है. और जस्सी ने क्या कहा? कुछ नहीं. जस्सी उसकी असलियत नहीं जानती राज, और वैसे भी वो इतनी भोली है कि किसी पे कभी शक तो करती नहीं. उसे शायद नहीं पता कि वो हमारी जस्सी को बेवकूफ बना रहा है.
हाँ हम पर भी नहीं है ना, मेरा मतलब है उसे बुरा तो बहुत लगा होगा असलियत जानकर। लेकिन इस बार अगर उसने अपनी बातों में जस्सी को बहला फुसला लिया ना, तो हमें दुख नहीं बल्कि हार्ट अटैक होगा। पूरब की असलियत को जस्सी के सामने लाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था जस्सी को यह जानना कि जिस आदमी को वो इतना मान रहा है वो आदमी कितना चालाक और जालसाज। वो जो भी है गुलमोहर के लिए बहुत ही डेंजरस है और इस समय उसका नाटक बॉक्स ऑफिस में हिट है, इसलिए हमें इस क्लाइमेक्स को थोड़ा सा डिले करना चाहिए था। राज, मैं तेरी रोज रोज की एडवाइजेस से तंग आ गया हूँ। जब मैं राइट जाता हूँ तो बोलता है लेफ्ट, जब लेफ्ट जाता हूँ तो बोलता है राइट। मुझे एक सीधा रास्ता दिखा ना। मेरे मन में जो भी आया मैंने कह दिया बस। तुझे पता है इस वक्त तो क्या कर रहा होगा? जस्सी के खूबसूरत चश्मों पे शेर पड़ रहा होगा, गुनगुना रहा होगा गाना या खे उफ यू मा, समझा? Yes. सर आपसे कोई मिलने आया है। कौन? सर मिस्टर पूरब मेहरा हैं। पूरब मेहरा, कौन था वो? मेरे अपने सपनों का धोखा। सपने तो और भी होंगे ना। अच्छा ये जरूरी है कि एक सपने के पीछे अपने सारे सपनों को समझ लीजिए। मिस्टर अरमान सूरी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मिस्टर पूरब मेहरा, गुड मॉर्निंग। लगता है मेरे कैबिन में पहुंचने की बहुत जल्दी है। तो तुम इस कंपनी के हार्टलेस चेयरमैन जो बिना सोचे समझे अपने एम्प्लॉय से दिन रात काम कराते हैं। हैरान होने की बात नहीं है, मैं जस्सी की बात कर रहा हूं जिसकी ऑनेस्टी और लॉयल्टी के तुम लायक ही नहीं हो। एक सेकंड मिस्टर पूरा मेरा, लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम इस वक्त मेरे ऑफिस में। जो अगर मैं चाहूं तो दो दिन में मेरा हो सकता है और मुझसे पहले किसी और का हो जाता अगर जस्सी तुम्हारी मदद नहीं करती। क्या कभी तुमने अपनी आंखें खोलकर देखा है कि बिना कंप्लेन किए वो तुम्हारे लिए कितना काम करती है? क्या कभी तुमने ये अप्रिशिएट किया है? कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जस्सी एक इंटेलिजेंट लड़की है मगर फिर भी वो एक इंसान है, लेकिन तुम्हारे लिए तो एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं। क्या जस्सी ने मेरे बारे में सोचा? जस्सी क्या कहती है, क्या सोचती है, इसकी फिक्र तुम्हें कब से होने लगी मिस्टर सूरी? भाषण देने का इतना ही शौक है तो पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? क्योंकि मुझ पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला।
और वैसे भी मेरे एम्प्लॉयज मुझ पर पूरा का पूरा भरोसा करते हैं। और वैसे भी धोखा देना और झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं। सूरी, अगर तुम्हारे शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम पे भरोसा करते तो किसी और कंपनी को अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं मिस्टर पूरब। तुम मेरी कंपनी खरीदना चाहते हो ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसी पर ध्यान। सच पूछो तो मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई नहीं। I don't really care. गुलमोहर जैसी 10 कंपनीज मैं 2 दिन में खरीद सकता हूं। और वैसे भी तुम्हारी मैनेजमेंट से मैं इतना इंप्रेस नहीं हूं। इस ऑफर को मैं रिजेक्ट कर भी देता अगर मुझे यह नहीं पता होता कि जस्सी यहां काम करती है और इस कंपनी को अपना सब कुछ मानती है। इस कंपनी को डूबता हुआ देख उसे बहुत दर्द होता। और जाहिर है जो इंसान इतनी मेहनत से इस कंपनी के लिए काम करे और दूसरों की नाकाबिलियत की वजह से इस कंपनी को डूबता हुआ देखे तो सब तो होगा। ऐसा पूरा मेरा इस कंपनी का चेयरमैन अभी भी मैं हूं और मुझे अपनी कंपनी को चलाना भी आता है और बचाना भी। इसका मुझे पूरा एहसास है। क्या मतलब? टेक ओवर के बारे में आपने जस्सी को क्या बताया? पापा जी कहाँ हैं? वो तेरा मूड ठीक करने के लिए गुलाब जामुन लेने गया है। क्या बात है बेटा, अरमान सर ने तुझसे कुछ कहा? तू एक काम कर, पूरब को बुला ले, उसे गप्पे मार, दो बातें कर और देख वो तेरा मूड यूं ठीक करता है। बेबी आपको क्या लगता है पूरब हम सबके साथ इतना अच्छा क्यों है? वो तो इतना बड़ा बिजनेसमैन है जिसके साथ भी चाहे उठ बैठ सकता है, तो फिर हम उसके लिए इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि बेटा जिंदगी में पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ है। और फिर उसे मेरी जस्सी भी तो बहुत पसंद है। तू उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं उसकी सबसे अच्छी बेबे हूँ। बेबे पूरब मुझसे दोस्ती क्यों करेगा? यूं ही मुझ जैसी लड़की को देखने के बाद पूरब को मुझसे प्यार क्यों होगा? बेबे पता नहीं क्यों मैं ये सब समझ ही नहीं पाई कि सबके पीछे वो चाहता क्या है। ये तो क्या कह रही है जस्सी? पापा जी पूरब के बारे में बिल्कुल ठीक सोच रहे थे बेबे, उसका असली इंटरेस्ट गुलमोहर में है। गुलमोहर? हाँ, पूरब का असली इंटरेस्ट गुलमोहर में था बेबे, इसीलिए वो मेरी जिंदगी में आया। हवाई ने समझे बात बेटा, तो ये क्या कह रही है? हो सकता है तूने पूरब के बारे में कुछ गलत सुना हो। लड़का तो बड़ा नेक है और फिर वो रोहन का इस तरह से हमसे मिलना, बेटा तुझे पूरा यकीन है? बेबे फ्रॉड है, फ्रॉड, फ्रॉड। पागल तो मैं हूं बेबे, मैं उसकी बातों में आ गई, उस पे विश्वास करने लगी, मैं भरोसा करने लगी पूरब पे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? बेटा जब ये बात तेरे अरमान सर को पता चलेगी तो उन्हें कैसे लगेगा? इसके बारे में सोचा किसी ने? मैंने उसे अपना दोस्त समझा था और उसने नहीं बेटा, नहीं नहीं, इस तरह रोते नहीं। तो देख सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक क्या होगा? खाक। पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कहता है कि पूरा गलत नहीं हो सकता। जस्सी को तो तुम बहका ही चुके हो, अब लगता है यहां पे खड़े होके कोई नया नाटक भी करना चाहते हो। वैसे
गुलमोहर को हत्याने की तुम्हारी चाल काफी अच्छी थी मिस्टर पूरब। पहले जस्सी से दोस्ती की, उससे अंदर की सारी इंफॉर्मेशन ली, और तुम्हारी चाल तो काफी अच्छी थी लेकिन तरीका निहायत ही खटिया था। तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो सकती है मिस्टर सूरी, ये जान के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन हैरत नहीं हुई। वैसे तुम्हारी कंपनी के हालात देखकर तुम्हारी सोच और समझ का अंदाजा मुझे पहले से हो गया था। ओ, तो तुम जस्सी की पर्सनालिटी से इतना सुपर इंप्रेस थे, उसके चेहरे से इतना चार्म थे कि तुम उसे कैटामरन में घुमाने ले गए थे। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि ये ऐसा जोक है जिसमें बिल्कुल हंसी नहीं आती। चेहरा अच्छा हो इसका ये मतलब नहीं कि इंसान भी अच्छा हो। आपसे मिलने के बाद इस बात पर विश्वास मेरा और भी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि आपने जिंदगी को पहचानने की कोशिश की नहीं मिस्टर सूरी, इसीलिए पानी में तैरते हुए भी आप उसकी गहराई नहीं देख सकते। फिलोसफी की बात ना करते हुए अगर हम बिजनेस की बात करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा मिस्टर पूरब, क्योंकि इस वक्त हम दोनों के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, गुलमोहर। गलत। पैसा और पावर तुम्हारी जिंदगी है, मेरी नहीं। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे मेरे असूल और प्रिंसिपल। Oh, really? बातें तो तुम बिल्कुल महात्माओं जैसी करते हो लेकिन काम बिल्कुल फ्रॉड जैसे। किसी की कंपनी को धोखे से हत्याने के बाद सोचना कहां के उसूलों में आता है मिस्टर पूरब? तुम यही करना चाहते थे। मैं क्या चाहता हूं? ये तो सिर्फ नहीं प्रूव कर सकता। क्या बात है मिस्टर पूरब, गुलमोहर भी आपका, उसूल भी आपके, और जस्सी भी आपके। जस्सी और मेरे रिश्ते को आप नहीं समझ पाएंगे मिस्टर सिंह, क्योंकि इंसानी रिश्तों को समझने की काबिलियत नहीं आप में। जस्सी और मेरे बीच रिश्ता है विश्वास का, जो किसी के कुछ भी करने से टूटेगा नहीं। फिलहाल तुम सिर्फ अपनी कंपनी की सोचो, ओके? बेस्ट। जैसे अंदर आने के लिए नहीं खाओगी? जैसी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज कुछ तो बोलो। क्या एक दिन में हमारा रिश्ता इतना बदल गया कि हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर सकते? तो जैसी प्लीज सिर्फ मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो भी हुआ। काश मैं सब कुछ समझ गई होती पहले ही पूरब। क्यों किया तुमने ऐसे मेरे साथ? सिर्फ अपने फायदे के लिए? तुमसे क्या कहूं मैं पूरब, तुमने तो रोहन को, उस बेचारे बच्चे को भी तुमने शामिल कर लिया अपनी इस प्लानिंग में, और आज मुझे एक और झूठ बोलने आया ताकि तुम अपने बाकी के सारे झूठ को छुपा सको ना। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला जैसे। अच्छा, तुम्हारी नजर में किसी के दिल से खेलना, उसकी फीलिंग्स को यूज करना क्या झूठ नहीं होता? सच तो ये कि मैं तुम्हारे लिए गुलमोहर तक पहुंचने का एक रास्ता बन गई थी पूरब। जैसे क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? तुम्हें लगता है कि सिर्फ गुलमोहर के लिए ही मैंने? हाँ, अगर तुम्हारा मन साफ होता ना पूरब, तो तुम मुझे कब का बता चुके होते कि जिस कंपनी को तुम टेक ओवर कर रहे हो वो गुलमोहर है। मैं गुलमोहर में काम करती हूँ पूरा, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना।
कुछ भी कर सकते हो ना, तुम सब अपने बारे में ही सोचते हो ना पूरा। तुम मेरी बात सुनने को, वो अरमान सूरी अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। अरमान सर पे उंगली क्यों उठा रहे हो तुम, उनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है पूरा। गलती मेरी है जो मैंने तुम पर विश्वास किया पूरा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था पूरा, और अपने दिल की सारी बात तुमसे ही की थी मैंने। मैं क्यों ये भूल गई कि कोई भी आदमी मुझ जैसी लड़की से दोस्ती क्यों करेगा, सिर्फ कोई फायदे के लिए ही करेगा ना। क्यों मैंने तुमसे दोस्ती की पूरा, क्यों मैंने तुम्हें अपने आंसू दिखाए पूरा। मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे सब कुछ खोखला है। क्यों क्यों पूरा। जैसी, अगर तुम मेरे बारे में ये समझती हो तो मैं समझूंगा कि हमारे बीच का रिश्ता सब नाम का था, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए फील किया था और अभी भी करता हूँ, उसे दुनिया की कोई भी चीज बदल नहीं सकती। तुम चाहे इसका यकीन करो या नहीं। मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब समझ गया जैसे, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी भी सिर्फ एक पल के लिए ही मुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से मैं तुम्हें हर पल देखता हूँ? क्या तुमने कभी भी मुझे अपने प्यार के लायक समझा है? नहीं पूरा, कभी नहीं।